सो हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में रेसबेरी पाई के ऊपर विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने वाला हूं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। पर उससे पहले इंट्रो। तो यार, ऐसे ही मैं टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं, तो अगर आपको इस तरीके के वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। तो यार, सबसे पहले तो हमें विंडोज़ 11 और उसके साथ रेसबेरी इमेजर को डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए हमें जाना है वेबसाइट पर WORProject.com। डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड पर अगर जाएंगे और वहाँ से कुछ इस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है रेसबेरी इमेजर को। ऑफिशियल वेबसाइट जो है रेसबेरी पाई का, और उसका जो रेड कलर का जो इमेजर मिलता है उससे काम नहीं चलेगा। यही वाला विंडोज़ ऑन रेसबेरी इमेजर करके जो टूल है उसी को आपको डाउनलोड करना होगा। तो ये zip फाइल पर डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद zip फाइल को अनजिप करके इसका जो सॉफ्टवेयर है वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इतना आप कर लोगे मुझे पता है। तो यार, वापस से ब्राउज़र पर चले आना है और सर्च करना है इस वेबसाइट को। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा, और नीचे स्क्रॉल करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ से विंडोज़ 11 को चूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ से करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ARM64 जहाँ पर लिखा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि रेसबेरी पीआई ARM बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो ARM64 को ही चूज़ करना है। और यहाँ पर लिखा है कि रेसबेरी पीआई को सपोर्ट करता है, तो नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मैं विंडोज़ होम को अनटिक कर देता हूँ, मैं सिर्फ प्रो को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, डाउनलोड एंड कन्वर्ट ISO फाइल। ओके, इंक्लूड अपडेट्स ये वगैरह कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। कर देना है क्लिक कंटिन्यू पैकेज पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा। zip फाइल डाउनलोड होते ही आप फाइल को ओपन करेंगे और ये वाला जो cmd कमांड है इसको कहीं पर सेव कर लेंगे। ठीक है, उसको एक फोल्डर के अंदर सेव करेंगे, क्योंकि उसी फोल्डर के अंदर हमारा जो विंडोज़ 11 है वो डाउनलोड होने वाला है और कन्वर्ट होने वाला है ISO फाइल पर। तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर ये वाला फाइल सिलेक्ट कर लिया था, और मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक किया, तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, मुझे पता था कि ये बहुत ज़्यादा डाटा यूज़ होने वाला है, तो इसलिए मैं अपने ऑफिस आ चुका हूँ और वहाँ पर ये डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 6 GB के आसपास डाटा की ज़रूरत था और उतना मेरे फ़ोन में थे नहीं। तो ये धीरे धीरे डाउनलोड हो रहा है, इसमें ना कम से कम 1 से 1.5 घंटा टाइम तो लेगा ही। तो यार, जब तक हमारा OS डाउनलोड होता है, मैं आपको बता दूं कि मैंने हमारे रेसबेरी पीआई के ऊपर क्रोमियम OS भी इंस्टॉल करके देखा है, जो कि काफ़ी स्मूथ चल रहा था। फेरी OS नाम है उसका, तो वो उसका भी ARM बेस्ड सॉफ्टवेयर मिल जाता है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आई बटन पर शो हो रहा होगा। तो यार, डाउनलोड करने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने घर, और यहाँ पर मैं उस OS को सेटअप करूँगा कुछ इस तरीके से। आपको विंडोज़ ऑन रेसबेरी वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर मैं शो ऑल ऑप्शन को भी चूज़ कर सकता हूँ, आप कुछ भी चूज़ कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऊपर जो है आपको एक SD कार्ड सिलेक्ट करना है, बेस्ट SD कार्ड के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, तो आई बटन पर शो हो रहा होगा। कम प्राइस में एक अच्छा सा SD कार्ड ले लीजिएगा, 32 GB का मिनिमम। तो इसके बाद हमारे नीचे एक ऑप्शन आता है कि रेसबेरी पीआई का वर्जन क्या है। तो हमारा जो है मॉडल बी है, रेसबेरी पीआई 4 मॉडल बी, तो उसको हम चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ से हमें ISO फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर आप उस फोल्डर के पर जाकर भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से जो मैंने डाउनलोड किया है उसको चूज़ कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद ये कुछ और ऑप्शन पूछ रहा है कि विंडोज़ प्रो का कौन सा वाला क्या चूज़ करना है। मैं सिंपली प्रो को चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद ड्राइवर सिलेक्ट करने को बोल रहा है, तो मैं ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक करके छोड़ देता हूँ। देखो, इसके बाद हमें ज़्यादा ऑप्शन छेड़छाड़ करना नहीं है, बस आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा नेक्स्ट करने के बाद कि सब कुछ सही चल रहा है, मतलब सब कुछ अपने सही से सिलेक्ट किया है या नहीं, और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है।
तो यार जब तक हमारा विंडोज़ रेडी हो रहा है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ और इन वीडियोस को बनाने में बड़ी मेहनत लगता है। तो यार इंस्टॉल होने के बाद ये एक बार वेरीफाई होगा और उसके बाद रेडी हो जाएगा फिनिश। अब फटाफट मैं एसडी कार्ड को रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ विंडोज़ 11 लगता कैसा है। तो एसडी कार्ड इंस्टॉल हो चुका है और मैंने रेसबेरी पीआई को भी स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 11 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये स्टार्ट होने में बहुत वक्त लेता है और हाँ, मैंने ना स्टार्टिंग का थोड़ा सा मिस कर दिया है, बट घबराइएगा नहीं, ये विंडोज़ का एकदम ही स्टार्टिंग है। पहले जो बूटेबल होने में जो 1-2 मिनट जो लिया था वो मैंने गलती से रिकॉर्ड नहीं किया। तो देखिए विंडोज़ 11 स्टार्ट हो चुका है। इसको सेटअप कैसे करना है वो भी मैं अभी बताता हूँ। याद रखिएगा मैं सारी चीज़ें डबल स्पीड पर दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो बनाने में ज़्यादा लंबा ना हो। तो आपको इंडिया वगैरह सिलेक्ट करके यस यस करते जाना है और वाईफाई मांगे तो वाईफाई को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो के बीच में एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, विंडोज़ 11 रेसबेरी पाई के ऊपर स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा वक्त लिया है। ये इतनी जल्दी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ था, कम से कम आधे घंटे तो ये ऑन होने में लगाया था, ठीक है। और इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है ये स्टार्टिंग में बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या सीन है। तो मैंने नाम दे दिया है, इंटर पासवर्ड भी कर दिया है, नहीं पासवर्ड नहीं देंगे, सिर्फ नाम से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे स्क्रीन पर और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो यार सब कुछ सेटअप होने के बाद ये फिर से दोबारा रिस्टार्ट ले रहा है, आप देख सकते हैं। और बता दूँ इसमें भी कम से कम 15 मिनट टाइम तो लिया ही है, तो ऑब्वियसली मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि रेसबेरी पाई खरीद के आप विंडोज़ 11 चलाओगे और डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे, तो आप जानते हो मैं क्या कहने वाला हूँ। बट अच्छी बात यह है कि फाइनली विंडोज़ 11 स्टार्ट हो चुका है और इसको अब हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो जैसे ही मैंने स्क्रीन रेजोल्यूशन को फिक्स किया तो मैंने देखा यार ये 720p के ऊपर जा नहीं रहा था, तो इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके का आया है और देख सकते हैं, मैं कहूँगा कि काफ़ी स्लो है। देखो मैं बुराई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा ही मुझे मिला नहीं, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इतना छोटा सा प्रोसेसर है, ARM बेस्ड प्रोसेसर है, बहुत सारे यूट्यूबर बहुत कुछ दिखा रहे हैं, मे भी उनके चलते होंगे, मेरे नहीं चले अच्छे से, तो बहुत स्लो है। गेमिंग वेमिंग तो भाई भूल जाओ, ठीक है अभी भूल जाओ। सॉफ्टवेयर रन करने में बहुत दिक्कत हो रहा था, तो देख लो भाई आपको यूज़ करना है या नहीं। मेरे लिए तो भाई ये एक टेस्टिंग पर्पज़ के हिसाब से था और मैं कहूँगा कि टाइम बर्बाद होगा अगर आप इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, बिकॉज मुझे वीडियोस बनाना था, टेस्ट करना था, नॉलेज गेन करना था, तो इसलिए मैंने इसको बनाया, इसको टेस्ट किया। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए ये ऑर्थिट है, वैल्यूएबल है, बट आपके लिए ना भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी जब ये स्टार्ट हुआ मेरे को बहुत खुशी हुई, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बोला ये बहुत स्लो है, आपके सामने है सब कुछ, और इस बार तो मैं स्पीड अप भी नहीं किया, जैसा रिकॉर्ड हुआ था वैसा मैंने डाल दिया। जब मैं स्पीड अप करूँगा आपको बता दूँगा। तो आप देख सकते हो इसकी हालत कुछ इस तरीके से, इसके ऊपर विंडोज़ 11 सही से चल जाए वो ही बहुत है। रेसबेरी पाई के ऊपर विंडोज़ 11 और उसके ऊपर सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं, बिग नो। अगर आप फिर भी रेसबेरी पाई के ऊपर कोई OS अच्छे से यूज़ करना चाहते हो तो इसका जो ऑफिशियल रेसबेरी पाई OS है, रेसबेरियन OS बोलते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा क्रोमियम OS बहुत अच्छे से चला है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और अभी मैं वीडियो बनाते वक्त एक और OS मैं रेसबेरी पाई के ऊपर इंस्टॉल कर चुका हूँ, वो है काली लिनक्स, वो भी बड़ा स्मूथ चल रहा है भाई। 8GB रैम के ऊपर ये जो रेसबेरी पीआई है वो 8GB वेरिएंट वाला है, तो उसके ऊपर बहुत स्मूथ चल रहा है। बट जब तक मैं लिनक्स को, मतलब काली लिनक्स को थोड़ा सा और इस्तेमाल नहीं कर लेता, तब तक वीडियो बनाना सही नहीं होगा। तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जल्द लिनक्स के ऊपर भी वीडियोस आने वाला है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और गैजेट से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं, तब तक आप देखते रहिए आउटफ्लिक। और हाँ, मैं तो बताना भूल ही गया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर कमेंट लिखिए, इससे वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और पिछले वीडियो को बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया था, स्क्रीन पर आप देख ही सकते हो, अभी तक 1K व्यूज़ और बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। तो उस वीडियो को भी जा करके आप प्यार दे सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो।